शर्मा, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी काफी तेज हो गई है। लगभग सभी प्रत्याशी अपने अपने सिंबल लेके मैदान में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और जोर शोर पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र से आरएलएसपी के उम्मीदवार प्रशांत पंकज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनकी राजनीतिक तैयारी किस प्रकार की है और जनता की रुझान क्या है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत पंकज जी। धन्यवाद आपको। हमें ये बताया कि आपके उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र की आपकी जनता की क्या रुझान है और आपकी राजनीतिक तैयारी क्या है। देखिए, यहाँ पे जो एक मुद्दा के साथ हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, हमेशा से इस विधानसभा क्षेत्र में एक साजिश के तहत बाहरी उम्मीदवार को भेज दिया जाता है। इतने सारे काबिल लोग इस उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं, हर क्षेत्र के स्कॉलर हैं, लेकिन ऊपर के नेताओं को वो दिखाई नहीं देता कि उजियारपुर में भी इतने सारे लोग हैं और हमेशा से बाहरी लोगों को भेज देते हैं। जी बिल्कुल सर, हमें यह बताया कि उजियारपुर के जनता को क्या डिमांड है कि लोकल उम्मीदवार होना चाहिए और क्षेत्रियों को भगाए। और यहाँ पे जबरदस्त डिमांड है इस क्षेत्र में कि हर हालत में यहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए और इसी मुद्दा को लेकर हम यहाँ पे चुनाव में आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता का समर्थन हमें मिलेगा, हमें आशीर्वाद मिलेगा और अपार बहुमत से हम जीत कर जाएंगे। जी बिल्कुल, आपके सामने दो दिग्गज नेता हैं, एक आलोक मेहता और एक जो है सुशील, ये क्या नाम है, शील कुमार राय। अभी जो चुनाव का माहौल बन रहा है, दोनों के दोनों बाहरी हैं, एक जंदाहा के हैं, एक समस्तीपुर के हैं। मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं, हमेशा से इन क्षेत्र के हर लोगों के सुख में दुख में साथ रहा हूं और लोगों का समर्थन भी हमें मिलता रहा है। आप कहीं भी किसी भी टोले में जाइए, किसी भी पंचायत में जाइए तो हर कोई लोग बोलेंगे कि भाई स्वर्गीय रामरतन महतो जी ने यहां बहुत अच्छा काम किया, उनके लड़के ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनको एक मौका मिलना चाहिए। तो हमें विश्वास है कि लोगों का समर्थन मिलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पिताजी के विरासत में मतलब ये दोष जमाना चाहते हो जयपुर विधानसभा क्षेत्र में, या आपका कुछ अलग एक पहचान है, ये बताएं। देखिए, ये विरासत की राजनीति है ही नहीं। विरासत की राजनीति तब होती जब हमारे पिताजी जिंदा होते, उनकी जिंदा रहते हुए किसी पार्टी से हमको टिकट दिया जाता। लेकिन जो मैं ये कर रहा हूँ, उनके मर जाने के बाद जो दिवंगत हुए उसके बाद हमने राजनीति शुरू की है। तो कोई भी व्यक्ति जो है राजनीति कर सकता है, अगर तो इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि ये विरासत की राजनीति है, क्योंकि उनके दिवंगत होने के बाद। आपके अपने पिताजी के राजनीतिक जो कार्यकलाप था उससे प्रेरणा मिलती है? हाँ, निश्चित रूप से मिलती है। उनका जो काम करने का तरीका था, यहाँ पे शासन के लोग, प्रशासन के लोग एकदम उस वक्त कांपते थे और कोई भी जनता वो एसडीओ के पास, जीएम के पास, एसपी के पास जाती थी और निर्भीक होकर काम कराती थी। और मैं वैसा ही शासन यहाँ पे लाऊंगा। हम सभी जनता से वादा भी करते हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए, वैसा ही शासन, या आप सीधे डीएम के पास जाएं, सीधे एसपी के पास जाएं, एसडीओ के पास जाएं, सीओ के पास जाएं और आपका काम करेगा, काम करने को मजबूर। जी बिल्कुल, आप हमें ये बताया कि आपको अगर जनता चुनती है, कुर्सी में बैठाती है, तो सबसे पहला आपका प्राथमिकता उजियारपुर विधानसभा के लिए क्या होगा और क्या करेंगे? देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है कि आप जितनी भी सड़कें आप यहाँ पे घूमेंगे बहुत ही जर्जर हालत में, बिहार की सड़कें बनी लेकिन यहाँ की नहीं बनी, इसलिए कि यहाँ पे विधायक जो है वो काम करने के लिए के लायक ही नहीं है, निकम्मा है, तो इसलिए यहाँ काम नहीं कर पाए। हमें मौका मिलेगा एक एक सड़क गुणवत्ता के साथ, मैं 5 वर्षों में मैं बना के दिखाऊंगा। नौजवानों के लिए, नौजवान के लिए मैं वादा किया, मैंने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। छात्रों के लिए हर पंचायत में हम लोग वाईफाई सेंटर लगा रहे हैं जहां पे जाकर के बच्चे पढ़ सकते हैं। महिलाओं के लिए यहाँ महिला थाना का मैंने वादा किया है। किसानों के लिए एक बाजार समिति, बृहद बाजार समिति बनाने का वादा किया है। ये बहुत सारे काम हैं जो हमने सपना देखा है, हमने करने हैं। जी बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि अपार बहुमत से आप यहाँ से जीत जो है सुनिश्चित होगा? निश्चित रूप से हमारी जीत होगी। हमारे जो आरजेडी से जो वर्तमान विधायक हैं उनके खिलाफ में इतना जनाक्रोश है, और जो जाति की बात करते हैं, हमने तो बात की है कि जाति से ऊपर उठकर और पार्टी से ऊपर उठकर सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि यहाँ की जनता जाति से ऊपर उठेगी, पार्टी से ऊपर उठेगी और हमें जीत दिलाएगी। आलोक मेहता और शील राय जो दोनों जो हमारे जो उम्मीदवार हैं, वो दोनों हमारी टक्कर में कहीं पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी टक्कर उनसे है उनसे नहीं है, दोनों ही हमारी टक्कर में नहीं है। और जब जीत हमारी होगी तो यहाँ की जनता दिखेगी और आप सभी लोग देखेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद।